हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ करंट एनर्जी और हो सकता है DFTM अपने अकॉर्डिंग दिखेगा। एनर्जी शिफ्ट होती रहती है और साथ में फुल मून का भी अभी असर है, तो बहुत सारे DFTM आपको कलेक्टिव की बात की जाए तो बहुत से लोगों को नाइट में, ठीक है, फुल मून के नीचे ही इतना सफोकेशन फील हुआ है, हार्ट चक्र आपकी सांसें फूल रही थी, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी और साथ में क्राइंग एनर्जी भी थी। और हो सकता है कि आपके सैक्रल में प्रॉब्लम शुरू हो गई हो राइट नाउ, और कुछ लोगों को राइट नाउ हेडेक हो सकता है, राइट नाउ के बाद हेडेक है और नाइट में जो हो रही थी वो सफोकेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और साथ में घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी और सैक्रल प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ये सब जो आपको हो रहा था ये आपके पार्टनर का कुछ ऐसी नेगेटिविटी से बाहर निकलना। क्या होता है कि जब हम 3D वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, हम लोगों को अपना ना रियल फेस नहीं दिखाते, हम लोगों को एक झूठा फेस दिखा के चल रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हैं। 3D वर्ल्ड को दिखाने के लिए हम बहुत खुश हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर जब हम इंटरनली घुटन फील करते हैं ना इस चीज़ को कि नहीं नहीं ये चीज़ सच्चाई नहीं है, सच्चाई में एक्चुअल ये है कि हम अब बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इंटरनली आपकी जो सोल है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अकेला फील कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि दुनियादारी से चले जाऊँ, ये सब तक कब तक ड्रामा करूँगा। ये इंटरनली कल आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप में ऑब्जर्वेशन में थे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, हार्ट में पेन भी था, साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, घुटन फील हो रही थी। तो कुछ लोगों ने तो ग्राउंडिंग करके इसको रिलीज़ किया है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता कि कुछ ग्राउंडिंग करनी होती है अगर ऐसी दिक्कत होती है तो। जब भी ऐसा हो तो पानी अच्छे से पीना है, नमक वाला पानी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो अपना पैर डाल के बैठ सकते हो उसके अंदर, क्योंकि नेगेटिविटी सरफेस होती हैं अंदर की, इंटरनली चीज़ें जो हम अपने आप में एक महानता यूज़ करते हैं ना कि हम बहुत खुश हैं, थ्री डी वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इल्यूजन से बाहर रह जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि रियलिटी में सब सिर्फ लोगों को दिखाने का एक तरीका है, इंटरनली कुछ और चल रहा होता है। तो वो जो सब क्रिएशन थी ना, तो वो सब आपको सरफेस हो रही थी जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और हो सकता है कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपकी चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको लगता है गैसिक प्रॉब्लम हो सकती है और हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो राइट नाउ आपके हार्ट चक्र की क्लिंजिंग और सैक्रल की साथ में इंक्लूड की गई है, तो दोनों ही चक्र अभी ओपन है क्योंकि स्ट्रेंथ आनी बाकी है, तो स्ट्रेंथ के लिए वो सोलर चक्र के ऊपर भी काम होगा, लेकिन फिलहाल अभी ये दो चीज़ों के ऊपर भी वर्कआउट होगा। एकदम से आपका स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हेडेक और स्टमक जो हार्ट चक्र से रिलेटेड हैं तो ये आपको इफेक्ट करेंगे आज वाले चक्र के ऊपर। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग भी डाला था, वो भी देख लिए, वो DM की करंट एनर्जी थी जो कि अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने सोल से बात कर रहे हैं कि अब डायरेक्ट तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, मेरी DF मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, उसने मूव ऑन कर लिया है, वो हो सकता है किसी अनदर पर्सन के साथ हो या अब वो वापस नहीं आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आंसर जो उनके माइंड में चल रहे थे और वही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डीपली लेवल पे, कब तक मैं अपने आप को रोकूंगा, इंटरनली मर मर के घुट घुट के मर रहा हूँ, लेकिन मैं मानते भी हैं कि उनकी गलतियाँ हैं, उनकी गलतियों की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन आज उन्होंने जो चीज़ खो दी है, ठीक है, तो उसका उनको रियलाइजेशन के साथ साथ ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कि आप तो बहुत अच्छे मूड में हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एनर्जी इफेक्ट के करके आपको मिरर करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा टेस्ट में भी चेंज हो सकता है, आपको भूख कम और ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि आजकल आपके पार्टनर अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं, मैंने बोला था एडिक्टेड हो चुके हैं कुछ, तो अपने आपको जैसा होता है ना कि जीवन जब ख़त्म हो रहा था वो कहते हैं अपने आपको इस लेवल तक ले आओगे, उसको सुध-बुध नहीं होती है, मन नहीं करता है खाने पीने का ढंग से, अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, डाइट पे ध्यान नहीं देते, उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए चक्कर भी आ सकते हैं आपको। तो ये कहीं ना कहीं क्रिएशन दोनों के साथ मिररिंग हो रही है, तो आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी अपना ग्राउंडिंग करें, डाइट का अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि एनर्जी इफेक्ट तो आप लोग के पड़ेगा, ठीक है।
तो आपको ग्राउंडिंग डेली करो, जो 2 3 4 दिन अभी हो जो भी हैं करो, क्योंकि इफ़ेक्ट तो थोड़ा बहुत रहने वाला है। फिर आपका करवा चौथ, लोगों का भी जिनकी मैरिड हो चुकी है उनका भी करवा चौथ आना है, तो थोड़ा अपना फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो, और ख़ुद को कोशिश करो पॉजिटिव वे में इस एनर्जी को, जो अपना जर्नी है इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ब्लेम नहीं करना है, ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह वर्कआउट करते हैं, खुशी से तो कोई भी नहीं करता, लेकिन कर्मा पे आउट करना होता है तो दोनों को ही उलझना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ, और मैं वो सॉन्ग जो सुबह डाला था वो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। थैंक यू।